मेरी सखी है, जमुना मेरी सखी है, और बद्रीनाथ कौन है? कहते कृष्ण का अंश के अंश के अंश श्री बद्रीनाथ। बोले देखो ये ब्रजवासी कितने भोले वाले हाँ, कितने भोले वाले, जिनके मैं झूठन खाता हूँ। अगर नंद बाबा बोलते लाला मेरे खड़ा हो ले आओ, कन्या ठुमुक 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 करके चलते हैं, हाथों में नहीं सर पर रख करके खड़ाओ को नाचते 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 आते हैं। नंद बाबा अगर कभी पान खाते हैं ना, कृष्ण क्या करते हैं, उनको मुंह में अंगूर डालकर झूठन पान को कृष्ण खाते हैं। दोनों कृष्ण बलराम को गोद में बैठा करके नंद बाबा दोनों को एक कोर खुद खाते हैं, एक कोर कृष्ण को, एक कोर बलदेव प्रभु, अपना झूठा खाते कौन भगवान खा रहे। कहते जिनका मैं झूठन खाता हूँ, प्यार बढ़ता हूँ, ये क्या सोच रहे मेरा जो दास दासी उनको दर्शन करने के लिए जाएंगे। लेकिन इनको पता नहीं है ब्रजवासी कितने सौभाग्यवान, इनको पता नहीं है ब्रजवासी कितने सौभाग्यवान, अभी उनको पता नहीं, इसलिए उन्होंने बोले चलो आपका हम चार धाम दर्शन कराएंगे, चार धाम को दर्शन कराएंगे, इसलिए चार धाम को दर्शन, इसलिए हमारे तीर्थ महाराज की बोल। दर्शन दर्शन हरि बोल हरे कृष्ण सुन लो गौर प्रेमानंद हरि हरि। इसलिए यहीं पर कृष्ण सारे ब्रजवासियों को यहीं पर लाते हैं, ला करके बोलते हैं देखो सब धाम अभी प्रकट हो जाएगा, आंख बंद करो। हम कहते ना आंख बंद करके, हाथ जोड़ करके आंख बंद करो और सारे तीर्थों को याद करो। सारे ब्रजवासी सोच रहे थे कन्या लगता है बीच बीच में कुछ जादू टोना दिखाए ना, हो सकता है कुछ जादू टोना दिखाएगा। अभी सारे ब्रजवासी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। जब खड़े हो गए बोले श्री चारि धाम की। जब उन्हें खड़े हो गए, खड़े होकर जब आंख खुले ना, कहते पृथ्वी के जितने सारे तीर्थ है मानो ब्रजवासियों को दर्शन देने के लिए नहीं। ब्रजवासी क्या दर्शन देंगे उनको, जिनकी चरण में इतने एक धूल में इतने शक्ति कितने करोड़ों करोड़ों तीर्थों को प्रकट कर सकता है, ये ब्रजवासियों को दर्शन क्या देंगे। मानो ब्रजवासी का कृपा लेने के लिए सारे तीर्थ, सारे ब्रजवासियों का कृपा लेने के लिए सारे तीर्थ यहीं पर सबके सब यहीं पर प्रकट हो गए। सारे तीर्थ गंगोत्री जमुनोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ और श्री देव क्या देव सरोवर, ये वहाँ पर सारे तीर्थ उस तरफ हम देख करके आए। उधर जाओगे तो उस तरफ में जाओगे तो देखोगे सारे पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ है सारे तीर्थ वहाँ पर विद्यमान हो गए। और इतने में सब ब्रजवासियों ने दर्शन किया है। अभी वो सब धारा वहाँ पर अलकानंद का धारा, गणेश जी, लक्ष्मण झूला, देव सरोवर पर्वत, अभी देव सरोवर सारे तीर्थ वहाँ पर सबके सब प्रकट हुए। ब्रजवासियों का दर्शन नहीं, ब्रजवासियों का दर्शन करके उन लोगों ने जीवन धन्य हुए है। इसलिए यहाँ पर कहते चारी जो का यहाँ पर लीला है, सत्यजीव का भी लीला है। कहते सत्यजीव का क्या है, कहते एक राक्षस था जिनका नाम था बलबल राक्षस है, जिसका नाम सहस्र कवची। उसने सूर्य जी को उपासना की। सूर्य जी जब संतुष्ट हुए बोले बर्मागो, बोले मेरे को 1000 कवच कुंडल चाहिए, 1000 कवच कुंडल। बोले वो वर मांग रहे हैं अगर मेरे को ये वरदान दो, अगर मेरे को एक कवच कुंडल अगर कोई काट देगा तो वो मर जाएगा, जब तक 1000 कवच कुंडल कोई नहीं काटे तब तक मेरी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन जो मेरा 1 कवच कुंडल काटेगा वो मारा जाएगा। उन्होंने ये वरदान लिया, वरदान लिया तो सारा दुनिया में टहलका मचा दिया। कौन मारेगा, जो मारेगा वो मर जाएगा है, वो जो मारेगा मर जाएगा। अभी कौन अभी कौन अभी ये कर सकता है। अभी अभी क्या हुआ, उसने सारा दुनिया में टहलका मच गया। तो इतने में श्री लेकिन भगवान हर तरह का काम करना जानते हैं। इतने में उसने चुनौती दिया सबको पास में, लेकिन कोई युद्ध किया नहीं। किसने कहा तुम नर नारायण ऋषि को पास में जाओ, वही केवल तुम्हारी युद्ध जो करने का जो इच्छा केवल वही मिटा सकता है। उसने आकर के नर नारायण को उन्होंने नर रूप में श्री अर्जुन नारायण रूप में नारायण उनसे उन्होंने चुनौती मांगी। भगवान हर तरह का नंबर लगाना जानते हैं,
इतने में भगवान नारायण स्वयं युद्ध करने लगे हैं। नारायण युद्ध करते 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 उसका एक कवच कुंडल काट दी, लेकिन जो काटेगा वो मर जाएगा। इतने में भगवान बहाना बनाए मरने का, लेकिन मरने का जो बहाना बनाया, इतने में अर्जुन तपस्या कर रहा था, इतने में नार अर्जुन खड़े हो गए, बोले मैंने जो तपस्या किया 1000 वर्ष, उसने बर भागा था, 1000 वर्ष युद्ध करने पर एक कवच कुंडल को काट सकता है। इतने में अर्जुन जी फिर खड़े हो गए। अर्जुन खड़े होकर के बोले मैंने जो तपस्या किया है वो तपस्या क्या फल में नारायण को देता हूँ, नारायण जीवित हो जाए। इतने में कृष्ण नारायण जीवित होकर तपस्या में बैठे, अर्जुन 1000 साल युद्ध करे, युद्ध करते करते उसका एक कवच कुंडल फिर काट दिए, काट दिया तो अर्जुन मरने का बहाना बनाए। फिर नारायण खड़े हो गए, बोले मैंने जो 1000 साल तपस्या की उसका फल देता हूँ, मेरे सखा जीवित हो जाए। फिर अर्जुन जीवित होकर फिर युद्ध, फिर तपस्या में बैठ गए, फिर नारायण युद्ध किया। ऐसे करते 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 1000 जो था ना, 999 कवच कुंडल काट, अभी एक बाकी रह गया। उसने देखा भैया जब सब काट दिए इसको भी काट देंगे, लगता है मैं मरने वाला हूँ। इतने में उसने भाग गया वहां से, लेकिन भाग कर कहाँ जाएगा, उसने सूर्य मंडल में छुप गया। जब सूर्य मंडल में छुप गया, ये सत्यजीव की कथा है, जब छुप गया, इतने में जब कुंती ने, जब उन्होंने सूर्य देवता को प्रार्थना की, दुर्वासना जो जो माला दिया था जिसको स्मरण करके वही आएगा, उसने सूर्य देवता को स्मरण किया, लेकिन सूर्य देवता में कौन छुपा हुआ था, ये बलबल राक्षस, सहस्र कवच उसमें छुपा हुआ था, वही आकर के कर्ण रूप में जन्म लिया। लेकिन जब जन्म लिया उसको कर्ण में कवच कुंडल था, कवच कुंडल, इसलिए कर्ण ने ये कवच कुंडल को लेकर के कर्ण ने जन्म ग्रहण किया। लेकिन अभी किसका बारी है, पहले नारायण का फिर नर का, नारायण का बारी खत्म, अभी नर का बारी है, कौन है, अर्जुन, अभी नर रूप में अर्जुन है। इसलिए अर्जुन को बारी आया तो अर्जुन ने क्या किया, कर्ण को उन्होंने, अर्जुन ने ये कर्ण को लास्ट में ये अर्जुन ने उसको मारा। पहले तो उसका कवच कुंडल को लेकर के चला गया कौन, सूर्य किए इंद्र ले गया था फिर इनकी। इसलिए कहते हैं सत्यजु का भी लीला यहीं पर है, त्रेतया जु का भी लीला यहाँ पर, बोले यहीं पर कहते श्री सुग्रीव ने है, जब उनको सुग्रीव ने हमारे बाली से डर करके, कहते यहीं पर उसने आकर के श्री सुग्रीव ने यहीं पर उन्होंने आश्रय लिया था। इसलिए त्रेतया युग का भी लीला है, द्वापर युग में लीला, कृष्ण आए हैं, कृष्णा जैसे सारे ब्रजवासियों को लेकर के आए और यहीं पर उन्होंने दर्शन किया, ये भी कलिजुग का लीला है। कलिजुग का श्री चैतन्य महाप्रभु आए और उनका परिकर भक्त लोग भी आए और हमारे गुरु जी भी आए और इनका अनुगत में श्री तीरथ महाराज, बन महाराज, सिद्धार्थ महाराज और श्री माधव महाराज भी आए। कहते यहाँ पर सात, कहते ये चार जीव का लीला नहीं आया, इसलिए कहते ये चार जीव का लीला है ना, यहाँ पर ये चार जीव का लीला यही पर हुई है। इसलिए ये स्थान का नाम क्या है, आदि बद्री, आदि मतलब मूल बद्री है, आदि बद्री मतलब बद्री, नारायण मतलब क्या, बद्री मतलब होता है पैर, नारायण मतलब होता है नारायण। यहाँ पर श्री नारायण ने तपस्या की, बोले भैया भगवान क्यों तपस्या करेंगे, तपस्या तो जीव करता है, ये नारायण फिर क्यों तपस्या करते हैं, इसका कारण बताए। एक दिन नारद जी देखा सारा दुनिया में सब दुख दुखी है, कोई जगत में सुखी नहीं। नारायण को पास में गए, देखा नारायण अनंत नाग पर सैन्य किए हुए, माँ लक्ष्मी चरण सेवा कर रहे और भगवान मुस्कुरा रहे। भगवान नारद जी ने कहा प्रभु दुनिया को आपने सृष्टि किया, सृष्टि करके और दुनिया के जीव दुख कष्ट भोग कर रहे हैं, अब यहाँ पर लक्ष्मी को लेकर के मस्ती में मुस्कुरा रहे हो, हैं? बोले नारद तू क्या बोलना चाहते हो, बोले बड़े व्यक्ति जो करते हैं ना छोटे व्यक्ति वही करते हैं, दुनिया का मालिक आप हो, आप तो लक्ष्मी को लेकर दिन भर अनंतनाग में पड़े हुए हो। दुनिया बोलेगा जब नारायण अपना लक्ष्मी को लेकर पड़े हुए, हम भी अपना लक्ष्मी को लेकर पड़े रहेंगे, हम भी अपना लक्ष्मी को लेकर पड़े रहेंगे। इसलिए फिर बोले प्रभु क्या करना पड़ेगा, बोले प्रभु आप अगर भजन करोगे ना तभी तो जी भजन करेगा, तभी तो भक्ति करेगा, नहीं तो सीखेगा कहाँ से। इसलिए भगवान ने तपस्या करने के लिए गए, बद्रीनाथ में उन्होंने तपस्या करने के लिए गए। लेकिन जब तपस्या किए, धूप में तपस्या कर रहे थे, लक्ष्मी ने देखा नारायण तक गए, गए अभी तक तो आए नहीं नारायण, और ढूंढते ढूंढते आए तो देखा नारायण कठोर तपस्या नारायण कर रहे हैं। माँ लक्ष्मी देखा धूप में तपस्या कर रहे हैं। इतने में माँ लक्ष्मी बद्री, बद्री मतलब होता है बेर वृक्ष है, उनने फिर बेर वृक्ष बनकर उनको छा, इनका सर के ऊपर में उन्होंने वृक्ष बनकर के छाया करने लगी।
उन्होंने देखा भैया अभी तो धूप आ रही थी, इतनी ठंडी ठंडी मीठी मीठी हवा कहाँ से आ रही। देखा ऊपर में लक्ष्मी और बेर वृक्ष बन करके लक्ष्मी उनको छाया कर रहे हैं, इसलिए इस स्थान का नाम बद्री नारायण, जैसे लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधे श्याम है, बद्री नारायण है। इसलिए भगवान ने देखा कलिजुग का जीव इतने तपस्या कर ही नहीं सकता है, इसलिए भगवान ने वरदान दिया अगर कोई कलिजुग में कष्ट करके बद्रीनाथ में आए और केवल मुझे दर्शन कर ले, दर्शन मात्र से ही मेरे भजन का जो छठवां भाग का फल है केवल मुझे दर्शन करते ही उसको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए जो लोग यहाँ पर आए केवल इनको दर्शन कर लिया ना, वो ओरिजिनल बद्री है, जो केवल इनके दर्शन कर लिया समझो ठाकुर जो तपस्या कर रहे हैं ये तपस्या का छठवां भाग का फल उसको अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। बोले श्री बद्री विशाल की, श्री बद्री नारायण की। अभी हमारे तीर्थ महाराज बड़ी अच्छी अच्छी कथा सुनाएंगे, कैसे श्री बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कैसे सारे पुराण का कथा सुनाएंगे, व्यास देव कैसे यहाँ पर ग्रंथ लिखे, कैसे भागवत और कैसे और बहुत सारी बातें पिछली बार महाराज बोले थे, वो कोई कथा सुनाते।